हम दूसरे वाले गुरु हैं, हम इलू इलू भी बताए के क्या जगह चल रहा हूं। तो पहले उठेगा उसी का है। ये माता जी जो हरे कलर की साड़ी वाली हैं, आप आ जाओ। पर्चा लिखा रखा है, यही एक अद्भुतता का विषय है। ना नाम से बुलाया हो सकता, वरना वो हमारे होते। जो पहले उठ जाए वो पहले आओ पहले पाओ। जय बहन जी, बहन जी ना आया हूं ये थे हूं वो तो कैमरा लगो। हाँ प्रणाम प्रणाम, बस बस बस, हाँ हाँ माइक लो, माइक जो है जो है बहन तुम। अरे टेंशन ना लो, पहले बैठ तो जाओ, गम खा के बहन जी। बहुत स्पीड में हो बहन, बहुत मन में श्रद्धा बाबा मेरे पुरा लिया। मैं बोल बालाजी सरकार की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज मैं यहाँ बैठी थी तो मेरे मन में विचार आया कि पत्रकार तो अब मैं सच्चाई बोलूंगी बालाजी के सामने। महाराज मुझे ऊपर गुस्सा मत होइएगा, मैं अपनी सच्चाई बोलूंगी। ये है मेरा सच्चाई कि मैं यहाँ बैठे बैठे मैं आ रही हूँ छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के 3-4 दिन से। अब 16 तारीख से सीहोर का मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में पूरा मैं लीन हो गई हूँ। लेकिन मेरे यहाँ देखते देखते मेरा मन आज तक ये नहीं हो पाया कि बालाजी को स्वीकार करूँ कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इतना पता रहते हुए कि भगवान सब एक है, लेकिन मैं आज तक अपने दिमाग से डिस्टर्ब हूँ, भगवान मतलब भगवान है पता होते हुए आज मैं बैठी थी। तो मेरे को ये हुआ कि कभी झंडा वाले को महाराज बुलाते हैं, कभी अब आते सब सागर से हैं, मध्य प्रदेश से महाराज भी वहीं के हैं। तो ये हो क्या रहा है, छत्तीसगढ़ वाले तो बुला नहीं रहे हैं, और हूँ यूपी इलाहाबाद से मैं भी। लेकिन मेरे मन में आज दरबार में सच्चाई बता रही हूँ कि ना मैं बाबा की यूट्यूब पे देखी ना मोबाइल पे देखी, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का हमेशा लगा के देखती हूँ टीवी पे, ओ प्रदीप मिश्रा जी का। तो मेरे मन में एक बार मेरा भतीजा बोला कि बुआ ये बागेश्वर धाम वाले बाबा जी ना जिसके ऊपर जो रहता है वो सबको सच्चाई बताते हैं। तो मैं बोली ऐसे बाबा तो मैं बहुत देखी हूँ, मैं अपना सच्चाई बता रही हूँ बाबा, मेरे ऊपर गुस्सा मत होइए। मैं बोली ऐसे, फिर मेरे मन में कल पत्रकार आए तो मेरे मन में एक विवेक भैया करके हैं, मैं बोली भैया आपको भी महाराज जी पैसा दे दिए होंगे, मैं आज सब बताऊंगी यहाँ, महाराज जी मेरे ऊपर गुस्सा मत होइए। सुन लो पत्रकार महोदय, विवेक भैया को बुलाना चाहूंगी। विवेक भैया को बोली मैं कि भैया आज ऐसा कुछ करो। कहाँ गए वो, कहाँ गए कल जिनकी अर्जी लगी थी वो कहाँ गए? नहीं दूसरे भैया हैं, दूसरे विवेक चौबे करके, तो उनको मैं उनसे बोली तुमने पैसा लाएगा भैया? नहीं नहीं, इधर आओ तुम और आ जाओ, अपनी सच्चाई। हाँ अब देखो जो सबके मन में मलाल हुई है, ये तो बहाना है, सबके मन में मलाल हुई है कि गुरुजी जिन्हें बुलाए हैं। उसके बाद मेरे मन में ये आया, मेरे भाई फोन किए बोले कि तू भी तो पूजा पाठ बहुत दिल से करती है, हम लोग तेरे को मानते हैं कि तू जो बोलती वो होता घर में। तो मैं बोली अब मैं दुविधा में हूँ, मैं बोली बालाजी को तो मैं भी मान रही, लेकिन कल जो हुआ मेरे साथ वो तो मतलब ऐसा घटना। इनका कहना है कि रुपया लिए है। नहीं नहीं गुरु जी देखिए, एक कल से लोग जो है जब से आप मेरी अर्जी निकाले हमको बहुत गरिया भी रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू लिया था 2 दिन पहले और सब फेसबुक से जानकारी निकाल लिए होंगे इसलिए स्वामी जी ने ऐसा बताया है, और हमको कह रहे हैं कि तुमने काउंटर सवाल क्यों नहीं किया कि किसी का नाम आप बताइए। भाई किसी का भी बताइए, किसी के भी चाचा का नाम बता दीजिए, ये हमारे ऊपर आरोप भी लग रहा है। बहुत अच्छा, आज हम 4 पर्चा खोल देंगे उनके लिए। आपने रुपया लिया क्या ये और बता दीजिए? नहीं बिल्कुल बिल्कुल कोई रुपया नहीं लिया है। आप हमको बताए हैं पहले? ना कोई परिचय नहीं, कोई जीवनी नहीं बताया। ये जो इनके हम नाम बुला रहे हैं इनकी जानकारी कोई दे रहा है क्या? ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। अब देखो ये आप पर आरोप लगा। कल जब हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे, हम लोग दिल्ली से आए हैं आप जान रहे हैं, हालांकि मेरे विषय में आप व्यक्तिगत जानकारी नहीं जानते हैं, सिर्फ इतना जानते हैं कि मैं दिल्ली से आया हूँ और TV9 भारतवर्ष का पत्रकार हूँ। कल जब मैं इस पंडाल में घूम रहा था तो मैंने ये महसूस किया बहुत लोगों की आकांक्षाएं हैं आपसे मिलने के लिए, वो दिव्य दरबार में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि तुम्हारे मन में ये कैसे आया कि रुपया लिए हैं? हाँ इन्होंने मुझसे कहा, मैं उसी पर आ रहा था, इन्होंने मुझसे कहा चलो कोई अब इन्हें माइक दो हम इनको बताते हैं। इन्होंने मुझसे कहा, ये थोड़ी व्यथित थी
अब हमने ठीक जवाब दे दिया, अब बैठो। इन्होंने मुझसे कहा महाराज जी बंद कर दीजिए कि गुरुजी से मिलते हैं, हाँ। ये बातें बंद कर दी, अब माइक इनको दे दीजिए। कहाँ से हो? क्योंकि आज नहीं तो इसी में देर लग जाएगी, दरबार नहीं होगा। हम इलाहाबाद से दरबार कर बाबा क्षमा मांगते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा टीवी चैनल वगैरह देख के ना, मतलब मैं खुद भ्रमित टाइप से, मेरे को विश्वास पूरा अपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बालाजी पर है। हमारे ओम प्रकाश मिश्रा जी मामा है रिश्ते में, हमारी मतलब जेठानी है, हाँ। तो उनकी मैं देवरानी हूँ, जेठानी कांकेर में रहती, मैं नहीं आई। देखो कोई भी मन में वो भ्रम होना बहुत जरूरी है, भ्रम से ही श्रद्धा प्रकट होती। लेकिन मैं सच्चाई ये बता रही हूँ, मन में ऐसा आया कि मैं लगातार जब आ रही हूँ दौड़ दौड़ के, तो आज मैं सोने में क्या हुआ कि मैं उठ नहीं पाई। आज मैं बोली अब मेरे गलत प्रश्न पूछो, समय बर्बाद मत करो जी, सबका वो हो गया वो क्या बोलते हैं क्लियर हो, क्लियर जिंदगी भर के लिए सब बालाजी के हो जाओ। बोलो बालाजी महाराज की जय, गुरुदेव की जय। सवाल पूछो जल्दी। सवाल बहुत ये है बाबा कि दो रोटी खाने के लिए है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड का तबीयत यहाँ पेट में बहुत खुजलाता है। उनका नाम बताया तुमने? किसी को नहीं, किसी ने पूछा है? नहीं कोई नहीं। अच्छा ठीक है, क्या नाम है उनका? हनुमान प्रसाद पांडे, और वो नौकरी चाकरी से बहुत परेशान है, हमारा इज्जत थोड़ा बना है, लेकिन परेशानी बहुत। धन की हैरानी घर में दिक्कत, पूरा घर उपद्रव मचा, क्या ये सही लिखा है? सच है, पूरे घर में उपद्रव मचा, उलझन है, स्थाई जॉब पति हनुमान प्रसाद की नहीं है, आपके घर पर पितृ दोष है, पितृ दोष में सूरज लाल नाम के पितर घूम रहे हैं, यह शांत हो जाएंगे, और आप पर आरोप लगता रहता है, उल्टा सीधा घर में विवाद बनता रहता है, और आपको आपके ही परिवार के लोग खिल्ली उड़ाते व हंसते रहते हैं, चरित्र का भी आरोप लगाते रहते हैं, जिससे व्यथित है, और पूर्व में आप गलत भी थे, और दरबार के लिए भी आपने गलत विचार किया है, और आपके पति हनुमान प्रसाद हैं, और साथ में सूरजमल नाम के उनके परदादा हैं, और साथ ही साथ आपके घर पर 7 महीने के अंदर जॉब योग बनेगा, स्थिर वाला आशीर्वाद है। बोलो बालाजी महाराज की जय। पर्चा यही बोल रहा है? यही बोल रहा है बाबा। आप यही पूछने आए? अब तो नहीं है गलत? नहीं 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 बाबा, अब तो नहीं है, हम पागल आपके बारे में कभी गलत तो नहीं है, रुपया लेकर करते नहीं नहीं वैसा नहीं, मन का विचार बाबा। आप चूंकि स्त्री हो, हम बहुत कंट्रोल में बोल रहे हैं, आपकी भी इज्जत नहीं था, हम दूसरे ट्रैक के महात्मा है। नहीं नहीं बाबा जी माफ कीजिए, सच्चाई बोल दी ना, मैं गलत मतलब मन में आ गया था बाबा, इतनी सही होते हुए परिवार वाले गलत ठहरा देते हैं, ये बहुत तकलीफ है। आखिर ठहराते तो ठहराते, लेकिन गलत में सच्चाई रहते हुए सच्चाई का आप साफ आपको देना है, जिंदगी भर बालाजी की सरकार की जय, इसलिए सच्चाई बता दी ना बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय। अब एक बात माइक से बोलने योग नहीं है, नहीं तो जैसे हमने कल 2-3 लोगों को बताया उनकी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बाबा ये कृपा करो, सच्चाई रहते हुए मेरे अंदर हर सच्चाई है, उसके बाद मुझे सब गलत ठहरा देते हैं, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये वाला लगता है आपके ऊपर, ना तुम पढ़ो ना हम पढ़ते, रियल है? अब समझ जाओ हम कितने गहरे आदमी हैं। लेकिन वही है बाबा झूठी, लेकिन हम कितने गहरे आदमी हैं ये तो पढ़ो पहले, यही लिखा है, हिंदी पढ़िए आप जी, हाँ ये बोल देंगे तो घर उजड़ जाएगा। लेकिन ये झूठा है ना बाबा, है बात लेकिन है तो यही है तो यही, हाँ बहन जी, इसलिए घर हम उजाड़ने नहीं बैठे, बनाने बैठे हैं, और ये धमकी नहीं है, और ये जितने भी मीडिया वाले बोल रहे थे उनके लिए, कहाँ गए तिवारी जी, कहाँ गए तिवारी जी, जो बोल रहे थे ये धमकी नहीं है, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है बागेश्वर बालाजी के दरबार का। बाबा जी कृपा करो, तुमने तो नहीं किसी को बताया, किसी को नहीं बाबा, तुमने तो नहीं कहीं इस सर्विलांस में लाइन कहा कह रहे थे काय पे डाल दिया है, इंटरव्यू में डाल दिया है, हाँ फेसबुक में, तुमने तो नहीं डाला ये, तुमने तो नहीं ये डाला है, नहीं सच्चाई है, पूजा सच है, हर बात पूजा करती हूँ बालाजी को, शंकर जी को भी, लेकिन मतलब मन का एक भ्रम का मतलब सब बोलते जैसे सुन सुन के, बाकी मैं रोज बोलो बालाजी महाराज की जय। लेकिन बहन तुम कम बोला करो, इसीलिए तुमको सब लोग ये जो ऊपर वाला हमने बताया ना, इसीलिए तुम कम बोला करो, बहुत ज्यादा फुदकते रहते ना, इसलिए लोग तुम पर ऐसा उल्टा ऊपर वाला लगाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस तुमने बेचारे पत्रकार को भी नहीं छोड़ा, उसने कल सच्चाई दिखाने की वो की थी ताकत, और तुमने उसको भी नहीं छोड़ा, जो है ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। अब ये उन
हमको नहीं बोल रही है तो पत्रकार तो यही कहा था ना कि वो अपने अपने कृपा करना बालाजी बुलाइए महाराज जी हमको अब आ जाइए जुड़ जाना अब जो पर्चा ना दिखाइयो का कृपा बनाए रखना हमेशा हनुमान पांडे को नौकरी चाकरी सब ठीक हम नहीं तो घर भी ताप लेत जा खुशी रहा हम घर भी ताप लेते हैं हम तिवारी जी ऐसे वैसे गुरु नहीं है हम दूसरे वाले गुरु हैं हम इलू इलू भी बताए के जगह चल रहा हूँ